नमस्कार दोस्तों, YouTube की दुनिया में आपका स्वागत है। आशीष कुमार के साथ देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल AB Tech। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि मैं आपको आटा चक्की मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। मैं इसको अभी खोल के भी दिखाऊंगा, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसे ये हमारी मशीन होती है असलियत में। कुछ इस प्रकार की हमारी मशीन होती है, देख लीजिए। ये देखिए, इसमें हम जो भी है अपना कच्चा माल डालते हैं और यहाँ से आ जाता है हमारे पास आटा बनके। दोस्तों, जो ये मशीन है आपको अमेज़ॉन और काफ़ी वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसका प्राइस है लगभग 13,000 से 16,000 के बीच, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। और ये जो मोटर है मैंने अभी आपको दिखाई, जो इसकी मोटर है वो है 1.5 HP। वैसे तो ये 1.25 HP की भी आ जाती है। और जो इसकी कैपेसिटी होती है ये 12 से 13 किलोग्राम पर हार, मतलब एक घंटे में 12 से 13 किलो गेहूं का आटा पीस सकती है। इससे आप बारीक आटा और दलिया दोनों प्रकार की चीज़ें पीस सकते हैं। देखिए, मैं इसको खोल के भी दिखा सकता हूँ आपको। देखिए, जो इसका ये मेन पार्ट होता है यही इस प्रकार से बना होता है कि इसमें दाना जैसी सेंटर से साइड साइड को आएगा वैसे ही वो पीस के बाहर निकल जाएगा। इसके लिए एक स्पेशल नाली टाइप बनी होती है। तो ये दो पूड़ होते हैं इसमें और इससे ये आपका आटा पीस जाता है। और ये जो निचला पोर्शन है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये घूमता रहता है बड़ी तेज़ी से। वैसे ये पत्थर का होता है, परंतु जो इस मशीन में है ये लोहे का है। इसका एक एडवांटेज है कि इसमें कंकड़ पत्थर मतलब कुछ नहीं आता, आपका शुद्ध आटा आता है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का होता है ये, और इसके ऊपर ये लगा होता है ढक्कन। दोस्तों, ये तो देख लिया कि आपने किस प्रकार कैसा क्या है इसका, जो भी इसका बेसिक सिस्टम है। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह ये वर्क करता है। इसमें से आपको आटा निकाल के भी दिखा दिया है। तो इस प्रकार की कुछ आपकी चक्की मशीन होती है। इसके अंदर सिर्फ मोटर होती है, उसके ऊपर एक पूड़ लगा होता है जो कनक के दानों को पीसता है, और उसके बाद बाहर आटा आता है। सिर्फ इतना ही होता है, इसमें एक मेन स्विच होता है, बस उसे ऑन करने की ज़रूरत होती है। और बस आपकी मशीन इसकी मोटर के हिसाब से इसकी वैल्यू होती है, इसलिए इतनी महंगी आती है। आप भी खरीदना चाहें तो आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं।